अंबाला में हुई एक युवक की मौत के मामले में पेच फंस गया है। पुलिस जहां इस मामले को सड़क हादसा मान रही है, वहीं मृतक के परिजनों को युवक की हत्या किए जाने की आशंका है। इसी शंका के चलते मृतक युवक के परिजनों ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज से इंसाफ की गुहार लगाई, जिसके बाद इस मामले की जाँच अब अंबाला कैंट के DSP करेंगे। अंबाला में हुई एक युवक की मौत के मामले का पेच फंस गया है। मामला 11 जून का है। बताया जा रहा है कि 27 साल के करण को 11 जून की रात कुछ लोगों ने फोन करके बुलाया, जिसके बाद वो उनसे मिलने के लिए चला गया। कुछ देर बाद फोन आया कि करण का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद उसे PGI रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। करण के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या करके उसे एक्सीडेंट का रूप दे दिया गया है। उधर पुलिस का जो जाँच अधिकारी इस मामले की जाँच कर रहा था, जिसके हाथ लगभग आरोपियों के गिरफ्तार तक पहुँच ही चुके थे, उसे भी तबादला कर दिया गया। इस पूरे कांड की उच्चस्तरीय जांच करते हुए आज परिजन अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज से मिले और पूरे प्रकरण की जांच की मांग की। मंत्री जी के से मिले हम, करण नाम का लड़का है, 6 तारीख को 6/11 को उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट नहीं है वो, 11/6 हाँ 11/6 को एक्सीडेंट नहीं है, लेकिन वो एक साजिश सोची सब्जी साजिश के साथ मर्डर किया गया है। उस विषय को लेकर हम मंत्री जी से मिले हैं, ठीक है। मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है, हमारा केस DSP साहब को सौंप दिया है और हमें उसकी संतुष्टि है, हमें वो अच्छी तरह से उसकी तहकीकात करेंगे और हम चाहते हैं कि करण के साथ इंसाफ हो। लेकिन जो हमारे हुकुम सिंह जी है, जो इंचार्ज है, वो तहकीकात करते हैं इस केस की। वो एक्सीडेंट नहीं है, वो एक मर्डर है, ब्लाइंड मर्डर है, सोची समझी साजिश के साथ मर्डर किया गया है, ठीक है सर। जो हुकुम सिंह जी है वो 70% 75% 80% इसको सॉल्व कर लेते हैं। गुनाहगारों को पकड़ने के लिए वो मतलब तैयार थे, ऐन वक्त पे आके उनको, मैंने जानता चलो कोई और मैटर है किसमें उसका ट्रांसफर किया गया है, बट ये है कि उसको ऐन वक्त पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो हुकुम सिंह जी है, जिसको भी केस दे रहे हैं, वो हुकुम सिंह जी को साथ लेके चले, उनको गाइड करें, वो जो भी वो ब्रिकी से उन्होंने तहकीकात की है उनसे पूछें कैसे क्या हुआ है और इस केस को सॉल्व करें। मंत्री जी से मिले हैं, बहुत खुश हैं उनके आश्वासन से, उन्होंने हमारी अच्छी तरह से हमें सुना है, हमारी जो प्रॉब्लम थी हमारी अच्छी तरह से सुना उन्होंने और उन्होंने DSP साहब को ये केस सौंप दिया है हमारे। मृतक करण की मौत के राज से पर्दा उठवाने के लिए परिवार और वाल्मीकि समाज के लोग कैबिनेट मंत्री अनिल विज से मिलने पहुंचे। परिजनों ने विज से इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की और विज ने भी इस मामले की जांच अंबाला कैंट के DSP सुरेश कौशिक को सौंपते हुए इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने के आदेश दिए। जांच अपने तरीके से मैं करूंगा और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें कोई भी डिलाई नहीं बरती जाएगी। तथ्यों के आधार पे जो भी कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे। तो बिल्कुल जांच निष्पक्ष होगी और किसी के साथ भी कोई भेदभाव वगैरह नहीं किया।